नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है चैती छठ का दूसरा दिन। सरकारी स्कूल की हर किताब बस ऐसे पाएं फोन पर। 245 ट्रेनों में रेलवे लाएगा नई पॉलिसी। बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। श्री कुमार को लेकर युवराज सिंह ने की भविष्यवाणी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईपीएफओ ने 2,859 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के द्वारा एसएसए और स्टेनोग्राफर पदों को भरने के लिए कुल 2,859 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफ पद के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन की शुरुआत 27 मार्च से हो रही है, जो कि 26 अप्रैल 2023 को समाप्त हो जाएगी। आज है चैती छठ का दूसरा दिन। आज यानी कि 26 मार्च को चैती छठ का दूसरा दिन है। ऐसे में आज के दिन को लोग खरना के रूप में मनाते हैं। बता दें कि आज के दिन सभी लोग शाम में गाय के उपले या आम की लकड़ी पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाते हैं और फिर इस प्रसाद को व्रत करने वाला व्यक्ति और परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं। मालूम हो कि इस दिन नमक भोजन नहीं करना होता है। खरना के बाद से व्रती के लिए 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाता है। वहीं बीते दिन इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से हुई है। मालूम हो कि चैती छठ को लेकर नगर निगम के द्वारा घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा के अंतर्गत सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पर्व को लेकर जिले के 76 स्थानों पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं इस पर्व को लेकर थाना पुलिस के अलावा 1500 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह के बारे में। अभिमन्यु सिंह एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। वह मुख्यतः हिंदी फिल्मों समेत तेलुगु फिल्मों में भी नजर आते हैं। बता दें कि इनका जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था। अभिमन्यु सिंह ने अपने हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत साल 2001 में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म अक्स से की थी। इस फिल्म का निर्देश राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया था। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल के रंसा सिंह के किरदार से मिली थी। हालांकि फिल्म दर्शकों द्वारा नकार दिया गया था, लेकिन आलोचकों ने फिल्म को बेहद सराहा था। उन्हें इस भूमिका के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। उसके बाद वह वर्ष 2010 में राम गोपाल वर्मा निर्देशित फिल्म रक्त चरित में बुक्का रेड्डी की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में भी उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों और आलोचकों को दिल जीत लिया। सरकारी स्कूल की हर किताब बस ऐसे पाएं फोन पर। बिहार के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 12वीं तक की अब सभी किताबें विद्यार्थियों को ऑनलाइन मिल जाएगी। दरअसल अब कक्षा 1 से 12वीं तक के किताबों में एक QR कोड मौजूद होगा, जिसे स्कैन कर विद्यार्थी किसी भी चैप्टर को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बता दें कि यह QR कोड किताबों में SCERT के द्वारा पहले और द्वितीय पृष्ठ पर डाला गया है। हालांकि इस तरह की किताबें बच्चों को नए सत्र से मिलेगी। मालूम हो कि इस तरह किताबें के चैप्टर ऑनलाइन मिलने से छात्रों को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन इस QR कोड को स्कैन करने के लिए विद्यार्थियों को अपने फोन पर प्ले स्टोर की मदद से दीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद इस ऐप के जरिए QR कोड को स्कैन कर किताबें ऑनलाइन तरीके से पढ़ी जा सकती है। पूर्णिया में शुरू हुई त्रिदिवसीय उद्यान प्रदर्शनी। बीते दिन बिहार के पूर्णिया जिले में कृषि विभाग, बिहार सरकार और उद्यान निदेशालय के द्वारा प्रमंडलीय स्तर पर आयोजित की गई त्रिदिवसीय उद्यान प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। मालूम हो कि इस उद्यान प्रदर्शनी में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार के किसानों के बेहतर उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सब्जी, फल, मखाना, औषधि पौधे समेत विभिन्न प्रकार के पौधे की प्रदर्शनी शामिल है। बता दें कि इस आयोजन के माध्यम से किसानों को देखने और सीखने का अवसर मिलेगा। टीबी उन्मूलन में बिहार के 5 जिलों को किया गया सम्मानित।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के 5 जिलों को विश्व टीबी सम्मेलन के दौरान टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। बता दें कि बिहार के जिन 5 जिलों को सम्मानित किया गया है उनमें समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले को गोल्ड मेडल तो वहीं सिवान जिले को सिल्वर और सारण व पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। मालूम हो कि यह सभी मेडल बिहार की ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर बी के मिश्रा के द्वारा दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के अनुसार यह सभी मेडल उन्हीं जिलों को मिलते हैं जहां 2015 की तुलना में मरीजों का इंसिडेंस रेट 60%, 40% और 20% कम हो। 60% से कम होने पर गोल्ड, 40% से कम होने पर सिल्वर और 20% से कम होने पर ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया जाता है। छपरा पहुंचा शहीद जवान अमित कुमार का पार्थिव शरीर। 23 मार्च को बिहार के छपरा के लाल अमित कुमार को सिक्किम के गैंगटोक में हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। वहीं बीते दिन यानी कि शनिवार को शहीद जवान अमित कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया, जिसे देखकर पूरा माहौल गमगीन हो गया। बता दें कि इस दौरान शहीद की शव यात्रा हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा तिरंगे के साथ निकाला गया और इसके साथ ही भारत माता जय और अमित कुमार अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर कई जवान भी मौजूद रहे। बता दें कि शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए युवाओं की टोली बाइक पर सवार होकर तिरंगे लिए उनके पैतृक गांव पहुंचे थे। बिहार के इन 13 शहरों में होगी CUET परीक्षा। अगर आप भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PG करने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आप CUET यानी कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के जरिए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG 2023 के लिए एडमिशन ले सकते हैं। मालूम हो कि अभी PG 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार CUET की परीक्षा राज्य के 15 शहरों के बदले 13 शहरों में ही आयोजित की जाएगी, जिनमें पटना, आड़ा, औरंगाबाद, भागलपुर, बिहार शरीफ, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास और समस्तीपुर के नाम शामिल है। वहीं अगर देश भर की बात करें तो देश भर में यह परीक्षा 554 शहरों में न होकर 337 शहरों में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे अजातशत्रु के किला के बारे में। अजातशत्रु का किला बेगूसराय शहर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किलों में से है। 6वीं शताब्दी के दौरान इस फोर्ट का निर्माण मगध के राजा अजातशत्रु ने किया था। राजा बिंबिसार और रानी चिलना के पुत्र उन्हें मगध पर शासन करने वाले सबसे अधिक भयभीत और शक्तिशाली राजा के रूप में माना जाता था। जैन और बौद्ध की परंपराएं छोटे विवरणों में थोड़ी भिन्न है, लेकिन वे दोनों परंपराओं के अनुयायी थे। उन्होंने उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया और उन्होंने ही पाटलिपुत्र का निर्माण किया, जिसे अब राज्य की राजधानी पटना के रूप में जाना जाता है। जैन कथाओं के अनुसार उनकी 8 पत्नियां हैं। वह 461 ईसा पूर्व में मरने के लिए जाना जाते हैं। किला एक महत्वपूर्ण रक्षा किला है और अब ज्यादातर खंडर में है। यह उच्च ऐतिहासिक महत्व का है। 245 ट्रेनों में रेलवे लाएगा नई पॉलिसी। रेल यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो या उनको कोई शिकायत करने की जरूरत न पड़े, इसको लेकर रेलवे के द्वारा ट्रेनों में साफ सफाई, गंदे कंबल और तौलिया आदि शिकायतों के निपटारे के लिए एक नई पॉलिसी लाई जा रही है। बता दें कि इस पॉलिसी का नाम यात्री सेवा अनुबंध रखा गया है, जिसमें कैटरिंग, हाउसकीपिंग जैसे कामों को शामिल किया गया है। मालूम हो कि यह पॉलिसी देश के 245 ट्रेनों में लाई जाएगी, जिसके लिए ट्रेनों की सूची तैयार की जा रही है। हालांकि इस पॉलिसी को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पॉलिसी को लेकर कुछ दिनों पहले चर्चा की गई थी, लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से इसको लेकर अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया है। आज से देवघर से पटना के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट। आज यानी कि रविवार से इंडिगो के द्वारा पटना और रांची से देवघर जाने के लिए सीधी फ्लाइट की सेवा की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि 26 मार्च को यानी कि आज पटना से देवघर और 27 मार्च को रांची से देवघर के लिए विमान सेवा की शुरुआत की जाएगी। मालूम हो कि इस हवाई यात्रा की शुरुआत होने से यात्री अब पटना से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए केवल 1 घंटे के अंदर पहुंच सकेंगे। बता दें कि आज देवघर से पटना जाने के लिए इंडिगो की पहली फ्लाइट 6E7944 देवघर एयरपोर्ट से सुबह 11:15 पर उड़ान भरेगी और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। फिर यही फ्लाइट पटना से देवघर के लिए 12:35 पटना से उड़ान भरेगी और 1:35 देवघर लैंड करेगी। इस फ्लाइट की यात्रा करने के इच्छुक लोगों को करीब 3,000 रुपए चुकाने होंगे। कोरोना को लेकर
लेकर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। देश में कोरोना के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बता दें कि जारी किए गए इस एडवाइजरी के अनुसार लोगों को भीड़भाड़ से बचने और मास्क पहनने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही छींकते या खांसते समय टिश्यू या रुमाल से नाक और मुंह को ढकने की भी सलाह दी गई है और हाथों की स्वच्छता बनाए रखने को कहा गया है। इसके अलावा इस एडवाइजरी में लोगों को सार्वजनिक जगहों पर थूकने से मना किया गया है और साथ ही लोगों से जांच को बढ़ावा देने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर केंद्र सरकार की ओर से 10 और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन करवाया गया है और साथ ही 27 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी बुलाई जाएगी। अगले 24 घंटे तक शुष्क बना रहेगा बिहार का मौसम। बिहार की राजधानी पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने ताजा अपडेट जारी किया है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले दो दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। उसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन होने का अनुमान नहीं है। राज्य में सतही हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर तक रहेगी। बिहार में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, वातावरण में नमी बनी रहेगी। आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। चिकित्सकों के मुताबिक बदलते मौसम में अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 9 साल बाद केंद्रीय मंत्री समेत 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने सुनाया फैसला। बीते दिन मुजफ्फरपुर MP MLA कोर्ट के द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित 23 लोगों के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। बता दें कि जिस मामले पर यह फैसला सुनाया गया है वह 9 साल पुराना मामला है। दरअसल वर्ष 2014 में बीजेपी नेताओं के द्वारा बिहार में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर ट्रेन रोको अभियान चलाया गया था, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर के तत्कालीन रेल थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के द्वारा कुल 23 लोगों के खिलाफ नामजद करते हुए केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी शामिल थे। वहीं बीते दिन इस मामले को लेकर कोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया गया। बता दें कि इस बात की जानकारी पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार के द्वारा दी गई है। बिहार के अरबपति बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल ने लिट्टी चोखा को बताया पसंदीदा भोजन। बिहार को लेकर कही ये बात। आसमान की चाहे कितनी ऊंचाइयों को भी कुछ लोग क्यों न छूले, लेकिन वो अक्सर अपने जमीनी स्तर से जुड़े ही रहते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी अरबपति बिजनेसमैन और वेदांता ग्रुप के फाउंडर व चेयरमैन अनिल अग्रवाल की है। इतने सफल बिजनेसमैन होने के बाद भी उनकी यादों में अब तक बिहार से जुड़ी यादें बनी हुई है। दरअसल बीते दिन अनिल अग्रवाल द्वारा बिहार के प्रसिद्ध भोजन लिट्टी चोखा को अपने पसंदीदा भोजन में से एक बताया गया। उन्होंने अपने फेसबुक के पोस्ट के जरिए बताते हुए कहा कि आप सबको ये पता ही है कि अंग्रेजी मेरी पहली भाषा नहीं है, लेकिन मुझे होमसिक का मतलब तब समझ आया जब मुझे काम की वजह से बिहार छोड़कर जाना पड़ा। बिहार के बारे में जितना कहा जाए कम है, यहाँ की हर बात दुनिया से हटकर है। जैसे ही बिहार का रोड साइन दिखना शुरू होता है मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेरे लिए बिहार आने का मतलब होता है बचपन की उन यादों में खो जाना, जो प्यार खुशी और अच्छे खाने से भरी हो। तेजस्वी मीसा से CBI ने की पूछताछ। बीते दिन बिहार में रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव CBI के समन पर पूछताछ के लिए CBI ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे CBI के द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद जाने दिया गया। वहीं दूसरी ओर ED के द्वारा लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से भी पूछताछ की गई। बता दें कि इस मामले में लालू परिवार के 7 सदस्यों को आरोपी ठहराया गया है। बता दें कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के द्वारा CBI दफ्तर जाने से पहले कहा गया था कि उन्होंने हमेशा एजेंसियों का सहयोग किया, लेकिन देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि लड़ना मुश्किल हो गया है, लेकिन हमने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला लिया है और हम ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि झुकना बहुत आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीते दिन मीसा भारती के घर भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ED और CBI का क्षेत्रीय दलों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। निलंबन पर राहुल गांधी का बीजेपी पर पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा अपने संसद की सदस्यता रद्द होने को लेकर बीते दिन अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से नहीं डरता और न ही मोदी मांगता है, उल्टा देश के प्रधानमंत्री अडानी पर मेरे दिए भाषण से डरे हुए हैं, ये मैं उनकी आंखों में देख सकता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है कि मैं विदेशी ताकतों के सहयोग से ले रहा हूँ। मैंने काफी बार बोला है कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूंगा। PM मोदी और अडानी में क्या रिश्ता है? अडानी जी को 20,000 करोड़ कहाँ से मिले यह पूछना बंद नहीं करूंगा, इसलिए पहले मुद्दे से ध्यान भटकाया गया और उसके बाद मुझे अयोग्य घोषित किया गया।
बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहते हैं। वहीं एक बार फिर उन्होंने बीते दिन बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आखिर बिहार की सरकार बिजली की खरीद ऊंचे दामों में क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि यहां कोई भी जनता के हितों और बिहारियों की समस्या को लेकर आवाज उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं और मेरी पार्टी के द्वारा मदद लोगों की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 9 अप्रैल को हमारी पार्टी के द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा और फिर 10 अप्रैल को पूरे बिहार में बिजली को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में हाहाकार मचने वाला है, बिहार में बिहारियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीते दिन राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और स्पीकर ओम बिरला को लेकर कही गई बातों को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के द्वारा उनके खिलाफ पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को गाली देने का अधिकार है तो पीड़ित को भी कोर्ट जाने का अधिकार है। कोर्ट के द्वारा सजा देने से पहले उनसे पूछा गया था कि वे माफी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा सुनाई गई थी। 2019 में राहुल गांधी ने जो भी बोला था बिल्कुल सोच समझकर बोला था। उन्होंने पिछड़े समाज का अपमान किया था। राहुल गांधी के खिलाफ 7 मुकदमे चल रहे हैं। हमारी पार्टी के द्वारा उनके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। ललन सिंह ने केंद्र सरकार को बताया हताश का शिकार। बीते दिन जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी के मामले में फैसला लिया गया है, उससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार हताश का शिकार हो गई है। केंद्र सरकार के द्वारा यह कार्रवाई बौखलाहट में आकर करवाई गई है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रहा है और इसका बदला जनता 2024 में जरूर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए कहा कि जिस तरह राहुल गांधी के साथ हो रहा है ठीक वैसा ही तेजस्वी यादव के साथ भी किया जा रहा है। जमीन के बदले नौकरी मामले में 2008 से 14 तक कोई जांच नहीं की गई। 2020 में भी सीबीआई के द्वारा कुछ नहीं किया गया और अब जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए हैं, वैसे ही सीबीआई और ईडी के द्वारा लालू परिवार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। सूर्य कुमार को लेकर युवराज सिंह ने की भविष्यवाणी। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन करने को लेकर सूर्य कुमार का आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह के द्वारा अपने ट्विटर के जरिए सूर्य कुमार को लेकर भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी अपने करियर में उतार चढ़ाव से गुजरता है, हम सभी ने इसे योग बिंदु पर अनुभव किया है। मुझे विश्वास है कि सूर्य कुमार भारत के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी है और अवसर मिलने पर वर्ल्ड कप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलो हमारे खिलाड़ी वापस आ जाते हैं क्योंकि हमारा सूर्य फिर से उदय होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। गुरु अमरदास 1552 में सिखों के तीसरे गुरु बने। इंग्लैंड ने 1668 में बंबई पर अधिकार कर लिया। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 1972 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत के उत्तराखंड राज्य में 1973 में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन किया, जिसे चिपको आंदोलन कहा जा गया। हिंदी कवित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में हुआ। बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता धीरेन्द्रनाथ गांगुली का जन्म सन 1893 में हुआ। सन 2006 में भारतीय राजनीतिज्ञ अनिल विश्वास का निधन हुआ। वायरल खंड में आज हम बात करेंगे पैन अपडेट करने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पैन अपडेट करने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि द ऑफिशियल एसबीआई के नाम से एक फर्जी मैसेज जारी किया गया है कि अपने खाते को समाप्त होने से बचाने के लिए प्राप्तकर्ताओं से एक संदिग्ध लिंक पर अपना पैन अपडेट करने के लिए कह रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें। एसबीआई कभी भी व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण मांगने वाले ईमेल एसएमएस नहीं भेजता है। फेसबुक पर इन स्टेप्स की मदद से देखें अपना इंटरनेट स्पीड। अगर आप अपने इंटरनेट का स्पीड चेक करना चाहते हैं तो यह काम आप फेसबुक से भी कर सकते हैं। हालांकि यह करने के लिए आपको फेसबुक ऐप के नए वर्जन और एक एक्टिव फेसबुक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर ये काम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन पर फेसबुक खोलें और फिर आप ऊपरी राइट कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पर टैप करें और फिर नया ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा जो कई फेसबुक फीचर सेटिंग्स को एक्सेस करने का ऑप्शन देता है। सेटिंग्स और प्राइवेसी
पर टैप करें और ड्रॉप डाउन मेनू से नीचे स्क्रॉल करें और सेटिंग और प्राइवेसी विकल्प पर टैप करें। वाईफाई और सेलुलर परफॉर्मेंस पर टैप करें, अपनी स्पीड टैप पर टैप करें और रन स्पीड टेस्ट विकल्प देखें। यहां आपको कंटिन्यू बटन मिलेगा, उस पर टैप करें। अगले पेज पर रन स्पीड टेस्ट बटन पर टैप करें, जिसके बाद स्पीड टेस्ट पूरा होने के बाद आपका फोन आपको डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड दोनों के बारे में बताएगा। स्मृति ईरानी ने सुशांत सिंह राजपूत को किया याद। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी के द्वारा दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बातचीत करते हुए भावुक हो गई। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस दिन सुशांत का निधन हुआ था उस दिन मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने बस कहा इसे रोको। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उसे एक बार मुझे कॉल करना चाहिए था। मैंने उस लड़के से कहा भी था कि तुम यार मारना मत अपने आप को। मुझे यह खबर जैसे ही मिली मैंने सीधे अमित साथ को कॉल किया क्योंकि मैं उनके लिए डर गई थी। उसने मुझसे कहा कि क्या किया इस इडियट ने, उस दिन हमने 6 घंटे बात की थी। बता दें कि ये बातें करते हुए स्मृति ईरानी इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों में आंसू आ गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सुमन सौरभ, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, शंकर मुखिया, नन्नू गोलू कुमार, पीके पासवान, बिट्टू कुमार राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, पवन सिंह, मुटू रंगीला, रविशंकर, सदुल्लाह पलवी, जगन्नाथ प्रसाद, उदय कुमार पासवान, अर्चना भारती। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए सूर्य कुमार यादव को भविष्य में भारतीय वनडे टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।